नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में पशु पैट का शुभारंभ हो गया। पशु पैट का शुभारंभ हवन यज्ञ कर किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने फीता काट कर और हवन यज्ञ में आहुति देकर पशु पैट का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि इस पशु पैट के लगने से किसानों को उनके पशुओं का अच्छा दाम मिलेगा, जो पशु पैट न होने के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बुधवार को यह पशु पैट आयोजित की जाएगी, जिसमें किसान पशुओं की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ये पीठ है, पशु पीठ। इसमें किसान भी व्यापारी भी बड़े परेशान हो रहे थे और पशु का रेट नहीं कुछ मिल रहा था, तो ये जो पीठ का उद्घाटन करा आज, ये अच्छी तरह से चले और पशु की कीमत उठे। हम तो यही इनके भविष्य की यही कामना करें भाई, पीठ अच्छी तरह से चले और किसानों को और व्यापारियों को लाभ हो। ये बुधवार का है, ये बुधवार का ही दिन चुना है इन्होंने, बुधवार का ही। सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व विधान परिषदीय समिति के सभापति साहब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सरकार पर उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट व नकली दवाइयों को लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। प्रदेश में लगातार नकली दवाइयों का व्यापार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही दूध उत्पादन को भी लेकर साहब सिंह सैनी ने लोगों को जागरूक करने की अपील की। पूरे देश में दूध उत्पादन बहुत कम स्तर पर हो रहा है, जबकि जनता को दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में नकली दूध उत्पादन करके बड़े स्तर पर नकली दूध उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में देश की जनता को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद समिति के सभापति साहब सिंह सैनी ने सरकार को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन संबंधी समिति के चेयरमैन में हूँ। ये हमारे राजेश भाई हैं, ये सदस्य हैं, MLC हैं बाराबंकी से, ये अमरोहा से MLC हैं भाई परवेज जी, ये रामप्रख जी। अब आपने सवाल किया, आज आपको भी मालूम है कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में मिलावट एक महामारी के रूप में है और दिन प्रतिदिन मिलावट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनमानस को मिलावट रहित स्वास्थ्य प्रदक पदार्थ उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार और अर्धाधिकारियों की लापरवाही से इसका दिन पर दिन प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई कि 200 से ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो सामने आया कि मिलावट से मलेरिया, एड्स और TB से भी भयंकर बीमारियां होने की बात आई है। और दूसरी बात यह आई है कि भारत के बाजारों में 68% दूध मिलावटी बिक रहा है, उसके पदार्थ मिलावटी बिकने का काम हो रहा है। 68% दूध हिंदुस्तान में मात्र 14 करोड़ लीटर दूध की उत्पादन है और 64 करोड़ खपत। आखिर ये 50% दूध का अंतर कहां से ये लोग पूरा कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए सोचने का बड़ा विषय है। मंत्री जी, हम मान रहे हैं कि मिलावट हो। नंबर एक तो बात मैंने ये कही है कि जिनके नमूने दो बार तीन अभी ये चल रहा है के 10-10 बार 15-15 बार नमूने फेल हो रहे हैं, 20-20 बार नमूने फेल हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रतिष्ठान बादस्तूर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लापरवाही है, सरकार की बहुत ज्यादा अनदेखी कर रही है इसमें और अधिकारियों का भी है। दूसरा मैंने इसमें कहने का काम किया कि जिनके 3 बार नमूने फेल हो गए हैं वो प्रतिष्ठान बंद होने चाहिए, तभी इसकी मिलावट में रुकावट कम से कम हो सकती है। तो इसमें हम ये चाहेंगे अगर उसमें कहना एक्ट में प्रधान नहीं तो एक्ट में प्रधान करने का काम करेंगे, जो 3 बार इसके नमूने फेल हो चुके हैं इसमें अपने सदन में रखेंगे कि वो उनके वो प्रतिष्ठान आगे बंद होने चाहिए। तो वो दूसरे नाम से प्रतिष्ठान खोलेगा, उस व्यक्ति को क्या सजा देंगे? उसके दूसरे नाम से खोलेगा, उसका भी मैं एक जवाब दे रहा हूँ आपको।
उसमें मैं करने जा रहे हैं कि कम से कम उस परिवार के मेंबर के नाम से कोई प्रतिष्ठान नहीं चलेगा, ये हम चाह रहे हैं उसमें। और उसके परिवार के नाम सजा की बात भी, उसमें सजा का प्रावधान है भी, लेकिन इसमें लापरवाह अधिकारी कि मिली अगर उसमें प्रदान है भी कहना सजा का कि सजा उन्हें मिलती भी है, लेकिन अधिकारों की लापरवाही से उतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। अधिकारी क्या करते हैं, जैसा कि देखने में आप जहां पत्रकार हैं समाज का भी एक हिस्सा है, क्या है कि कभी त्यौहार दिवाली आई तो छापे डालने का काम किया, होली आई तो छापे डालने का काम किया, उसके बाद पूरे साल भर को देखता नहीं जाके, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो मेरा इसमें कहना है, सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया, प्रदेश में मीटिंग बुला के भी, और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या मंडलों में, वहाँ भी ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई जमीन पर दिखनी चाहिए, अधिकारी के दिमाग में भय होना चाहिए कि हाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। आप खुद सहारनपुर के रहने, निश्चित तौर से सहारनपुर उससे कोई अलग नहीं है, जो कार्रवाई सबके लिए कही जाएगी सहारनपुर के लिए भी करने काम करेंगे। दरअसल थाना छपरौली क्षेत्र के सिनोली गांव में देर शाम संजीव नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी गुड़िया को कमरे में बंद कर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और बिना किसी को भनक लगे वह पुलिस को सूचना दिए ही शव को शमशान घाट ले गया और उसकी चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था। आरोपी पति संजीव चिता को आग लगाने ही जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस को आता देख संजीव मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने चिता से शव को निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतक गुड़िया की ये संजीव से तीसरी शादी थी, वहीं संजीव की भी यह दूसरी शादी थी, लेकिन दोनों का अक्सर विवाद रहता था। हालांकि संजीव ने अपनी पत्नी गुड़िया की हत्या क्यों की इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। फिलहाल शव चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और हत्या के कारणों का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। सिनोली गाँव में गुड़िया नाम की महिला का उसका पति ने गोली मारकर हत्या कर दी और डेड बॉडी को लेकर के शमशान में उसको जलाने जा रहा था। पुलिस से सूचना मिली, जैसे पुलिस पहुंची तो हम मौके से भाग गया था। शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चूँकि इसकी ये दूसरी पत्नी थी और ये जो महिला थी ये भी इसका ये तीसरा पति था और इनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। इसके दो इसकी पहली बीवी से दो बच्चे थे, वो भी बाहर थे, दूसरी बीवी से दो छोटे बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, तभी तत्कालिक तौर पर विवाद का पता नहीं चल पा रहा है। ये जाँच का विषय है, जाँच करके पता लगे कारण क्यों मारा। बागपत जिले में हथियारों से फायरिंग करने और उन्हें वायरल करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल हाल ही में जो फायरिंग का वीडियो सामने आया है वह छपरौली क्षेत्र के टटोड़ा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें आधा दर्जन के करीब युवक असले से फायरिंग कर रहे हैं। युवक कभी ग्रुप बनाकर एक साथ फायरिंग करते हैं तो कभी टुकड़ी में वीडियो में फायर करते नजर आते हैं। वीडियो में फायर करने वाले युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है। वहीं वीडियो शूट करने वाले युवक फायरिंग करने वाले सभी युवकों को उकसाकर वीडियो बनाने के लिए फायर करने के लिए कह रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में युवक हाथों में शराब की बोतल लेकर फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। ये रठौड़ा गांव में एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ लड़के फायरिंग कर रहे हैं, उनके पास असलाह भी था, इन पर गिरफ्तारी हो चुकी है, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई किया गया। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा DHFL में कर्मचारियों के वेतन में GPF CPF धनराशियों को नियमों के विपरीत निवेश किए जाने के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने घंटाघर स्थित बिजली घर पर प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने धरना दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हमारी मांग है हमारा EPF GPF का पैसा जो हमारे विभाग में कार्यरत कर्मचारी है, जो एक हमारा बोर्ड का गठन किया गया था EPF बोर्ड का, जिसमें हमारा पैसा प्राइवेट सेक्टर में राज्य विद्युत परिषद विघटन करने के बाद बनाया गया ताकि हमारा धन संरक्षित हो, उसके अंदर लगभग 41 अरब रुपया हमारा नियमों को बाईपास करते हुए वर्तमान चेयरमैन ने एक कंपनी को दे दिया गया जो भवन निर्माण का कार्य करती है। कंप्लीट बैकलिस्टेड है, उसमें से 9 कंपनियों के फर्जी एड्रेस मिले हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जिन अधिकारियों ने नियम को बाईपास करते हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नियमों को बाईपास करते हुए जो पैसा हमारा
प्राइवेट सेक्टर को दिया है उस पैसे की रिकवरी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पैसे के भविष्य को सुरक्षित करने की गारंटी दे और जो चेयरमैन रहे चाहे अर्पणा यू हो चाहे मिस्टर आलोक कुमार रहे हो उनको तत्काल निलंबित किया जाए, जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए और ये कार्रवाई की जाए क्योंकि न्याय ये मांगता है। चाहे हमारे विभाग का चपरासी हो, सरकारी कर्मचारी हो और चाहे कोई मंत्री या संतरी हो, यदि भ्रष्टाचार करता है तो सबके साथ एक जैसा न्याय एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये कतई होना चाहिए दोनों अधिकारियों को मलाईदार पोस्टों पर तैनात कर दिया गया और हमारे कर्मचारियों को अगर 50 रुपये कोई चपरासी सस्पेंड करने बाद 6-6 महीने तक लटका जाता है, जहाँ उन्होंने 41 अरब रुपया गबन किया है उसकी कार्रवाई हम लोग मांग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। दरअसल मामला जनपद मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव मोड़ खुर्द में मेरठ से कोटद्वार जा रही बाइक सवार विकास फिरोजपुर से बहसुमा की ओर जा रहा था। कार व बाइक सवार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई जिससे बाइक सवार घायल हो गया। ग्रामीणों व राहगीरों ने बाइक सवार को उठाकर स्थानीय चिकित्सक के यहाँ पर भर्ती कराया और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसे भी वहीं पर रोक लिया गया, जहाँ चिकित्सक ने घायल को प्राथमिक उपचार देकर भेज दिया। देश की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है लेकिन किसानों की परेशानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गन्ना किसानों ने गन्ना पर्ची काटने में ओवरलोड छटने की शिकायत पर गन्ना भवन पहुंचे और किसानों ने गन्ना सचिव का घेराव किया। जब गन्ना सचिव ने शुगर मिल के पाले में गेंद डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया तो किसान गन्ना सचिव को ही अपने साथ शुगर मिल ले गए। वहां गन्ना किसानों ने गन्ना सचिव व शुगर मिल कर्मचारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। गन्ना किसानों का आक्रोश जबरदस्त तरीके से भड़क उठा। गन्ना किसानों ने मांग की कि उनकी पर्ची की ओवरलोड के चलते छटनी ना की जाए और उनकी ट्रॉली का वजन 10 क्विंटल प्रति ट्रॉली बढ़ा दिया जाए जो पिछले साल के एवज में कम किया गया था। इस पर गन्ना सचिव ने उच्च अधिकारियों से बात की लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। गन्ना किसानों ने समाधान ना होने पर शुगर मिल बंद करने व आंदोलन की चेतावनी दी। घंटों तक चले हंगामे के बाद भी आश्वासन के सिवा कोई हल नहीं निकल सका। दोनों ओर से वार्ता जारी है। वहीं शुगर मिल कर्मचारियों का कहना है कि वे गन्ना किसानों को पहले ही लिखित में ओवरलोड से छटने की संतुष्टि कर चुके हैं। यह पूरा मामला गन्ना सोसाइटी के हाथ में है। सर, मुद्दा जो है वो ये है कि शुरू में जो मिल प्रशासन है और सोसाइटी ने ये बोला था कि भाई एक तो ओवरलोड नहीं कटेगा और जो हार्ड है वो 5 क्विंटल कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आया अब इन्होंने ओवरवेट काटना शुरू कर दिया। ओवरवेट के साथ साथ पर्ची आनी बंद होगी, किसान परेशान हो गया इस चीज़ के लिए। अब आपकी क्या मांगे हैं, क्या समस्या? मांग ये है कि जी एक तो जो ओवरवेट है वो ना काटा जाए और दूसरा है जी जो हार्ड है वो पूरा रख दिया जाए। असल में मुख्य समस्या ओवरवेट कैसे आ रही है, तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरवेट पूरे प्रदेश में काटा जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस बार क्या मांगे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य तो ओवरवेट ही ना काटा जाए, मुख्य मांग यही है। तो क्या कुछ समस्या का समाधान सब किसानों को? नहीं, इसमें सट्टा नीति के अनुसार जो उच्च स्तर से दिशा निर्देशों के अनुसार ही ओवरवेट समायोजित किया जा रहा है। तो क्या कुछ आश्वासन किसानों को? नहीं, ओवरवेट के संबंध में पूरे प्रदेश में एक समान नीति है, उस संबंध में हम उच्च अधिकारियों को मतलब किसानों की समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं। जो हमने आपस में बैठ के सचिव साहब भी थे उनके भी साइन है, पूरे किसान थे यहाँ के, सभी के साथ में एक बैठक हुई थी, उस पर डिसाइड हुआ था हमारा वेट जो है पहले तीनों मोड़ का 110 क्विंटल, 90 क्विंटल और 60 क्विंटल, वो 65 क्विंटल, वो हमने 5 क्विंटल डाउन किया था क्योंकि मोड़ बड़ा हो रहा था, उसमें जो कैलेंडर था हमारा वो नहीं चलता था। किसान कहता था जी मेरी कॉलम में पर्ची है वो 3-3 दिन लग जाते थे, 2-2 दिन लग जाते थे। वो 5 क्विंटल करने से हमारे जो 900 कंसाइनमेंट खाली होते थे अब 200 प्लस हो गए, 1100 कंसाइनमेंट डेली खाली हो रहे, उससे किसान नंबर ऑफ ग्रोवर हमारे जिनके पास पर्ची जा रही वो ज़्यादा हो गए। किसानों का सेटिस्फिकेशन बहुत बढ़िया है, इससे उनके रुझान भी बढ़िया आ रहे हैं। हमें जो मिलते हैं यार्ड में वो भी कहते हैं जी बहुत बढ़िया कैलेंडर चल रहा, आपने 10-12-15 दिन में ही एक जो हफ्ता 1 महीने में निकलता था वो 12-15 दिन में ही आपने निकाल दिया।
बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा, लेकिन अभी कुछ किसान मेरे पास भी आए, सचिव साहब के पास आए, उनसे यही मांगे कर रहे हैं कि जो हमारा हाड़ा कम हुआ है वो ओवरवेट ना छाटा जाए। उससे क्या है, उसकी तारतम्यता जो कंटिन्यूटी है किसान की, जो लेबर लगी हुई है परमानेंट, जो लेबर ठेकेदार लगा हुआ है वो कभी गन्ना काटने से नहीं रुकता, उसकी ओवरवेट में दो पर्ची कटे या चार कटे वो कंटिन्यू छीलता है, उससे किसान को भी लॉस होता है और हमें भी लॉस होता है। तो हम इसके पक्ष में नहीं है कि ये ओवरवेट काटा जाए, क्योंकि जो हमारा मोड है वो अब रूटीन में चल रहा और उसके कैलेंडर भी सही घूम रहा। ये हमने मिल प्रशासन ने लिखित में दे रखा, परसों भी लेटर भिजवा के हमारा ओवरवेट ना छाटा जाए हमारी के। वो सोसाइटी के हाथ में है, वो लखनऊ बात करे, DCO साहब से बात करे, डिप्टी CC साहब से बात करे, केन कमिश्नर साहब। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव नगला राई स्थित जामिया आयशा सिद्दीका लील बनात में तालीमी बेदारी व सीरत रसूल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नुसरत जहां खतीजा व संचालन राहत हुदा इशादी ने किया। प्रोग्राम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। जामिया की बच्चियों ने नात तकरीर व कई प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर बोलते हुए नुसरत जहां ने कहा कि आज के दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन एवं आचरण के संदेश को आम करने एवं उसको बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए हर मसलक के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं में संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुजारेंगे तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और हमें हमेशा इसके लिए कोशिशें करनी होंगी तथा हर चैलेंज का सामना करना होगा। राहत हुदा इरशादी ने बोलते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमान दीनी तालीम से दूर होता जा रहा है, शरीयत पर अमल करके ही दुनियावी और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज का जो प्रोग्राम है जामिया आयशा सिद्दीका लील बनात में जो आज प्रोग्राम हुआ है, उसका मकसद सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उस्वा हसना को उजागर करना है और अपनी बच्चियों के अंदर जो हमारी पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके अंदर ये चीज़ लानी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा और मुश्किल हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया। दूसरा, आज के प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि तालीमी बेदारी, कि हमारी कौम और हमारी नस्लों के अंदर तालीम को किस तरीके से, तालीम का जो लेवल है उसको किस तरीके से ऊपर लाया जाए और हमारी जो बच्चियां हैं वो तालीम की लाइन पर किस तरीके से आकर खड़े हों, इन दोनों मकसद के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज का ये प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम कोई आम प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ मस्तूरात का और लेडीज़ का ही प्रोग्राम था और प्रोग्राम का दो ही मकसद थे, सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी का जीने का क्या तरीका बताया है, और दूसरा तालीम, बस यही आज के प्रोग्राम का मेन मकसद। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल के मेन रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली मिल से डबल ट्रोला मैली से भरा चंदक बिजनौर भट्टे पर बेचने के लिए जा रहा था। ग्राम देवल पर एक ट्रैक्टर दो ट्रोलियां जोड़कर सड़क क्रॉस करते हुए मैली से भरे ट्रैक्टर ट्रोले से जा टकराया, जिसमें ट्रैक्टर चालक अरमान पुत्र जही परिचालक सोनू पुत्र शमशु ग्राम पुट्ठी है दोनों बाल बाल बच गए, जिसमें ट्रैक्टर डबल ट्रोली वाला चालक पिट्ठू भी बाल बाल बचा। मौके पर मार्केट के लोगों ने फंसे ड्राइवर कंडक्टर की जान बचाई। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना छपार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे शुभम पुत्र भरतू और पप्पू निवासी गांव तेजलेडा थाना छपार को केशव पॉलिटेक्निक बड़ला बसेड़ा रोड से एक अदद तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त थाना खतौली में एक्टिवा चोरी के अभियोग में भी वांछित चल रहा था।
धनवावन क्षेत्र के गांव धकोड़ी जमालपुर में ईश्वर पाल नामक का किसान अपने घर से निकलकर खेत जोतने जा रहा था। खेत के सामने ही दबंग व्यक्तियों का मकान है। पूर्व में भी किसान के साथ दबंग लोग हाथापाई व गाली गलौज कर चुके हैं, मगर पीड़ित किसान गरीब होने के कारण हर बार दबाव में आ जाता है। मगर इस बार हमलावरों ने सारी हदें पार कर पीड़ित किसान पर हमला किया, जिसमें पीड़ित किसान ने थाने पर मदद की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव धकोड़ी जमालपुर का है, जहां ईश्वर पाल पुत्र प्रेम सिंह नामक एक किसान ने गांव के ही एक युवक से 10 बीघा जमीन खेती बाड़ी के लिए ठेके पर ले रखी है। मगर जहां ईश्वर पाल नामक किसान ने ठेके पर जमीन ली है, उसकी जमीन के सामने ही धीर सिंह नामक एक दबंग व्यक्ति का मकान है, जिसके घर का सारा गंदा पानी पीड़ित किसान की फसल में आकर फसल को खराब करता है। पीड़ित किसान ने कई बार धीर सिंह नामक व्यक्ति से शिकायत की कि उसके घर का गंदा पानी आकर उसकी फसल खराब कर रहा है, मगर यह बात धीर सिंह नामक व्यक्ति को हजम नहीं हुई और उसने पूर्व में भी किसान के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने अपने फावड़े से उसके मकान से आ रहे गंदे पानी को रोक दिया। इस बात पर धीर सिंह पुत्र सुखबीर, गौरव पुत्र धीर सिंह, सौरभ पुत्र धीर सिंह, संदीप पुत्र महिपाल ने किसान के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। मामला गाली गलौज तक शांत नहीं हुआ और दबंग व्यक्तियों ने ईश्वरपाल नामक करीब किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर मोहल्ले वालों ने शोर शराबा सुनकर पीड़ित किसान को दबंग व्यक्तियों के चंगुल से छुड़वाया। बताया जा रहा है कि मारपीट में पीड़ित किसान को चोटें भी आई हैं। पीड़ित किसान ने थाना भवन थाने में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मैं खेत बांध गया उनके बार अगले धीर सिंह के, तो उसने जो है उसका लम्बा आया, मैं थोड़ा नाली पर पानी लगा रहा था, खेत में गेहूं बोता पानी निकल रहा था, वो गाड़ी ऊपर तक पेश हुआ। धीर सिंह था एक, और एक सौरभ था उसका लड़का, और एक गौरव और एक संदीप महिपाल का। और मैं तो बहुत परेशान हूँ, इन तक कहीं बन इनके लो हिली ने कहा सुनी कर दी, और घर वाली भी मेरी ब्लड प्रेशर की बीमार है और कैंसर की। अब तुम्हारे कहाँ कहाँ चोट लगी? मेरे दांत टूट रहा है, एक उंगली में लग रही है, और मैं बहुत इन तक परेशान हूँ। ये कभी कायम है कभी कायम है, मुझे परेशान करो जहाँ। ये ईश्वर पाल 49 साल का गांव धकोड़ी, इसको हाथ में चोट थी और थोड़ा दांत में भी होंठ पर चोट है, और इसको हमने इलाज दे दिया और इसकी इंजरी नोट कर दी है, बाकी एक्सरे के लिए एडवाइस किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया।